हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ बिशप एकेडमी। स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th चैप्टर 4 हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन के टॉपिक एक्युमुलेशन ऑफ वेरिएशन पे आज डिस्कशन करने वाले हैं। स्टूडेंट्स, देखते हैं कि एक्युमुलेशन ऑफ वेरिएशन क्या होता है, यानी कि उनके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ड्यूरिंग और ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ड्यूरिंग, यानी कि कैसे जो ट्रेट्स होते हैं, जो कैरेक्टर्स होते हैं, वो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में जाते हैं। तो वेन ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस द ऑफस्प्रिंग सो माइनर वेरिएशन ड्यू टू द इनक्यूरेजिज इन डीएनए कॉपिंग, यानी कि जब रिप्रोडक्शन होता है ऑर्गेनिज्म के अंदर, तो उनके स्प्रिंग्स में, उनके ऑफस्प्रिंग्स में, यानी कि बच्चों में माइनर लेवल पे वेरिएशन देखने को मिलता है। क्यों होता है? क्योंकि डीएनए कॉपी की वजह से होता है। दिस वेरिएशन आर लेस इन एसेक्सुअल, लेकिन ये वेरिएशन जो होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू क्या होता है, बहुत कम होता है, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ज़्यादा होता है। सम वेरिएशन आर यूजफुल वेरिएशन एंड दे हेल्प द ऑर्गेनिज्म टू द एडजस्ट द चेंज इन द एनवायरमेंट। कुछ वेरिएशन क्या होता है कि बहुत ही यूजफुल होता है, जिसके अकॉर्डिंग जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो अपने आप को उस इन्वायरमेंट में एडजस्ट कर लेते हैं। और कुछ क्या होता है, कुछ हार्मफुल होता है, कुछ ऐसे भी होता है कि जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो अपने आप को वेरिएट नहीं कर पाते हैं, वो इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाते हैं, तो क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं। इस तरह से यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स दिया हुआ है पोलर बियर का। ये पोलर बियर है तो ये कुछ चिल्ड कोल्ड रीजन में रहने में रह रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि कुछ ज़्यादा ही कोल्ड रीजन पड़े, तो इनके अंदर अगर कैपेबिलिटी है एडजस्ट करने की, तो इनके जनरेशन में वो कैपेबिलिटी क्या होगी, ट्रांसफर होगी, और उनका न्यू जनरेशन क्या होगा, वो ज़्यादा से ज़्यादा कोल्ड रीजन में सर्वाइव करने में, एडजस्ट करने में अपने आप को सही रहेगा। बट कुछ क्या होंगे, जो नहीं कर पाएंगे वो डेथ हो जाएंगे। इस तरह से इंसेक्ट भी होते हैं कि जो इंसेक्ट देखिए अपने आप को इस इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चेंज कर लिए, रह लिए, तो वो रहेंगे, बाकी क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे। जैसे कि मान लीजिए इन सब का कलर अलग है, तो ये अपने आप को क्या कर लेंगे, इस पेड़ पौधे में अपने आप को छुपा लेंगे। बट जिसका कलर इस टाइप का नहीं रहेगा, उसे क्या करेंगे, कीड़े जो होंगे उसे, जो इनसे बर्ड्स होंगे उसको खा जाएंगे, तो जिससे उनका जनरेशन धीरे धीरे क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो ये होता है वेरिएशन। और एक्युमुलेशन मतलब क्या होता है कि वो जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर होता रहता है, एक्युमुलेट होकर स्टोर होता रहता है, और एक किसी एक जनरेशन में जाकर के वो पूरा का पूरा वेरिएशन देखने को मिलता है, पूरा का पूरा चेंजिंग देखने को मिलती है। देखते हैं रूल्स फॉर द इनहेरिटेंस ऑफ द कैरेक्टर्स, यानी कि क्लास 10th के लिए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है रूल्स फॉर द इनहेरिटेंस ऑफ द कैरेक्टर्स, यानी कि ये कैरेक्टर्स कैसे इनहेरिटेंस की ट्रांसफ़र होते हैं जनरेशन टू जनरेशन, बच्चों से में कैसे जाते हैं उनके पेरेंट्स के थ्रू। तो इसके बारे में एक साइंटिस्ट थे ग्रेगर जॉन मेंडल्स, उन्होंने इस रूल्स को दिया हुआ था, उन्होंने लॉ ऑफ इनहेरिटेंस दिया हुआ था। यानी कि आप अपने बुक से ग्रेगर जॉन मेंडल्स के बारे में आप स्टडी कर लेंगे, ये एक फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है, ठीक है। यानी कि हम कह सकते हैं कि बायोलॉजी की वो ब्रांच जिसमें हम कैरेक्टर्स, दैट मीन्स की ट्रेट्स, वेरिएशंस और इनहेरिटेंस के बारे में स्टडी करते हैं, इसे हम जेनेटिक्स कहते हैं। इसकी डिस्कवरी जो है वो जेनेटिक्स की खोज जो थे वो ग्रेगर जॉन मेंडल्स साहब ने किया हुआ था। जेनेटिक्स के बारे में उन्होंने, ग्रेगर जॉन मेंडल्स ने दिया हुआ था, जिनकी जन्म ईस्टर्न यूरोप के एक फार्मर फैमिली में 1822 में हुआ था, ठीक है। ये इनकी एजुकेशन जो थी ये विनिया यूनिवर्सिटी से कंप्लीट किए हुए थे, ठीक है। तो इनके बारे में थोड़ा आप अपने बुक से इनकी जीवन के बारे में, इनके लाइफ के बारे में आप थोड़ा स्टडी कर लीजिएगा अच्छे से, ठीक है। बाकी हम रूल्स के बारे में बता रहे हैं, देखिए कि कैरेक्टर्स आर ट्रांसफर्ड थ्रू जीन्स प्रेजेंट इन द डीएनए, यानी कि कैरेक्टर्स जो होते हैं वो ट्रांसफर होते हैं जीन के थ्रू। किसके थ्रू ट्रांसफर होते हैं, जीन के थ्रू। और वो जीन कहाँ होता है, प्रेजेंट इन द डीएनए मॉलिक्यूल्स। डीएनए पे एक प्रोटीन की कोडिंग होती है जिसे हम जीन कहते हैं, इन द क्रोमोजोम्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ द सेल। और ये जो डीएनए होता है वो क्रोमोजोम्स पे प्रेजेंट होता है, और क्रोमोजोम्स ये हमारे बॉडी के अंदर जो सेल होती हैं, सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होता है, उस न्यूक्लियस में थ्रेड लाइक जो स्ट्रक्चर होता है उसी में ये प्रेजेंट होता है। द इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर्स इज ड्यू टू द फैक्ट दैट बोथ फादर एंड मदर कंट्रीब्यूटेड इक्वल अमाउंट ऑफ जेनेटिक्स मटेरियल टू द चाइल्ड्स, यानी कि बच्चों में जो जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफ़र होती है वो मदर और फादर का इक्वल अमाउंट में ट्रांसफ़र होता है, इक्वल अमाउंट में क्रोमोजोम्स ट्रांसफ़र होते हैं।
सो फॉर इच ट्रेड्स देयर आर टू फैक्टर्स. अब दो फैक्टर्स होते हैं, वन फॉर द फादर एंड वन फॉर द मदर, यानी एक माँ का होता है और दूसरा पिता का होता है. इन दोनों फैक्टर्स के मिल करके ही बच्चों में क्या होते हैं, कैरेक्टर ट्रांसफर होते हैं. ग्रेगर जॉन मेंडल्स कंडक्टेड एक्सपेरिमेंट विथ गार्डन पी प्लांट्स एंड डिटरमाइंड द रूल्स फॉर द इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेड्स. यानी कि जो ग्रेगर जॉन मेंडल साहब थे, उन्होंने इनहेरिटेंस के रूल को बताया था. इनहेरिटेंस के बारे में उन्होंने कंडक्टेड यानी एक्सपेरिमेंट किया हुआ था गार्डन पी प्लांट्स, जिसका बॉटनिकल नेम होता है फिजम सैटिवम, उस पर इन्होंने डिस्कवरी किया हुआ था. और उन्होंने बताया था कि जो इनहेरिटेंस होते हैं के थ्रू जो फादर और मदर होते हैं, उनकी दोनों लोगों की इक्वल फैक्टर उसके चाइल्ड में ट्रांसफर होता है. अब देखते हैं व्हेन प्लांट्स हैविंग वन पेयर ऑफ कैरेक्टर्स. अगर प्लांट्स के पास कितना वन पेयर ऑफ कैरेक्टर्स हो तो उसे हम कहते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस. क्या कहते हैं, मोनोहाइब्रिड क्रॉस. तो उन्होंने एक बार में क्या लिया, टॉल प्लांट्स लिया और शॉर्ट प्लांट लिया. यानी कि मेंडल सेलेक्ट पी प्लांट्स हैविंग वन पेयर ऑफ कैरेक्टर्स, ए टॉल पी प्लांट्स एंड ए शॉर्ट पी प्लांट्स. ही सिलेक्टेड प्योर टॉल एंड प्योर शॉर्ट ही पी प्लांट्स क्रॉस पॉलिनेटेड देम. उन दोनों में क्रॉस पॉलिनेटेड कराया. ही ऑब्टेन टॉल प्लांट्स इन द फर्स्ट जनरेशन and when the first generation plants were self pollinated, the obtained tall and dwarf plants in the ratio 3:1 the second generation. यानी कि यहाँ पे देख सकते हैं कि उन्होंने फर्स्ट टाइप फर्स्ट चांसेस में उन्होंने जो क्रॉस पॉलिनेशन कराया था, एक शॉर्ट प्लांट लिया था, एक dwarf टॉल प्लांट लिया था, दोनों में क्रॉस कराया तो उसके F1 जनरेशन में सारे के सारे हाइब्रिड टाइप के टॉल प्लांट दिखाई दिए. फिर इनमें सेल्फ पॉलिनेशन कराया तो 3:1 के रेशियो में इसमें टॉल प्लांट आए और एक ड्वार्फ प्लांट आया. तो इसका जो जीनोटाइप रेशियो था, यहाँ पे देख सकते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि देखिए इन्होंने हाइब्रिड टाइप्स का टॉल प्लांट्स हैं, इन दोनों में सेल्फ पॉलिनेशन हुआ है तो एक प्योर टॉल हुआ है, दो हाइब्रिड टॉल हुए हैं और एक शॉर्ट प्योर शॉर्ट हुआ है. इसका जो फिनोटाइप रेशियो 3:1 है, यानी 3 टॉल प्लांट्स शो कर रहे हैं और एक शॉर्ट प्लांट्स. लेकिन इसका जीनोटाइप रेशियो देखा जाए तो जीनोटाइप में एक प्योर प्लांट्स है और दो हाइब्रिड टॉल है और एक प्योर शॉर्ट है. तो इसका जीनोटाइप रेशियो आएगा 1:2:1. तो स्टूडेंट इस तरह से उन्होंने फ्लावर्स में भी कराया था, सीड में भी कराया था. Thank you. Have a nice day.